मैं खान सर से पूछ लूं, एक मुझे भी पूछना चलेगा। खान सर, दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम की ऑडियंस से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा यहाँ पे, और इनके अंदर एक जुनून है यहाँ पर, वो एक इतना जुनून है, बस इनको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, और उसके लिए तो आप हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, और उस गाइडेंस में बस इनको झोंक देना, ये अपना रास्ता खुद बना लेने वाले हैं, इनमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कई बार फोन वगैरह हम लोग तो पढ़ाने वाले आदमी, हमें अपने सब्जेक्ट के हम लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर की ये है तो कई बार फोन पे हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं इनको, ये भी इनका एक बड़प्पन है कि बढ़िया से एकदम एक सर ऐसे नहीं, ये चीजें सही रहेंगी, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा रहेगा ऐसा नहीं रहेगा, तो काफी बेहतरीन उस चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया, और वो काफी सर उसके लिए थैंक यू, यहाँ पर हमेशा से आप एक भाई की तरह गाइड किए, और ना वहां पर एक हम 2017-18 हुआ आपकी जो एक वीडियो थी एक बहुत पहले, तो सर की एक हमने वीडियो देखा था, वो ऐसे सेल्फी में बनाई गई वीडियो थी, तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने दुनिया का एंटरप्रेन्योर के मामले में सबसे बड़ा चैनल बनाया था, पूरी दुनिया का एंटरप्रेन्योर के मामले में सबसे बड़ा, और एक काफी बेहतरीन बात है ये, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है जो बहुत चीजों में आगे दूसरों को भी रोजगार देता है, तो हमें उस समय क्लिक किया था कि जब भारत माँ का एक संतान एंटरप्रेन्योर में दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बना सकते हैं, तो हमने भी उस दिन प्रण लिया था कि शिक्षा का सबसे बड़ा चैनल हम बनाएंगे, मेरा चैनल भी नहीं था उस टाइम तो इनकी ओर से एक बार ऐसे पता भी नहीं था, वो एक क्लब वाली बात नहीं आती है वहां पे, हम कहे कि चलो कभी बनाएंगे, हमको ना हम टेक्नोलॉजी के मामले में हमको बहुत ज्यादा नहीं है, जितना हमको जरूरत है उतना ही जानते हैं, फेसबुक भी नहीं आता है हमको, उसमें मेहनत भी बहुत है फेसबुक पे, यहाँ पे व्हाट्सएप में सही है, लिख के ढकेल दो तो चल गया, उसमें पता नहीं क्या, जिसको ढकेलेंगे वही देखेगा यहाँ पे, और उसमें भी पता चल जाता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यहाँ पे, तो हम लेकिन बनाते गए और धीरे धीरे बहुत एजुकेशन में लोग इतना एजुकेशन को लाइक करेंगे, पूरे देश वालों को हाथ जोड़ के भी हम धन्यवाद देते हैं कि एजुकेशन का इतना महत्व तो बढ़ा दिया उन्होंने यहाँ पर, और ये बात हमने किसी को नहीं बताया था, बाद में विवेक बिंदा जी के यहाँ गए इंटरव्यू हुआ तो वहां हम बताए कि सर हमको ये वाली चीज थी कि हमको दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का चैनल बनाना था और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर Hey guys, आपको मालूम है ना हम हमारे चैंपियन को बधाई कैसे देते हैं, सबको मालूम है क्या करना है, खान सर हमारी दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल के सबसे बड़े चैंपियन, मालूम है ना इनको कैसे करना है, खान सर अभी लड़ाइए और एंजॉय करिए, अभी कैसे आपको बधाई और धन्यवाद करने वाले हैं, बिकॉज यू आर अवर रियल चैंपियन, लेट्स स्टैंड अप फॉर द चैंपियन।